खबर शामिल करते हैं तानलियावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब बाव अख्तर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 612 गांव बे में वाकई मशरक में एक सरकारी तालाब था जिसमें गांव वालों का गंदा पानी जमा होता था। इसी तालाब के साथ तकरीबन 82 फुट सरकारी बाजार है और उस सरकारी तालाब का रकबा तकरीबन 2 कनाल 8 मरला है। आज उसी तालाब को मुसम्मी अली जाकिर वल जोहरे खान और रियासत अली वल जोहरे खान अकवाम वटू ने तालाब के रकबे में मट्टी डालकर अपनी रिहाइश बना रहे हैं और जानवरों का डेरा बना रहे हैं। आसपास के लोगों ने और जिन लोगों का गंदा पानी इस तालाब में जाता है उन लोगों ने आकर इन दो भाइयों को रोकने की कोशिश की तो उन दोनों भाइयों ने आगे से आतशी असलाह और डंडों के जोर पर लोगों को कहा कि यह हमारे बाप की जगह है, कोई रोक कर दिखाए तो सही, और अगर किसी ने कोई शिकायत सरकार को की तो हम उसे जान से मार देंगे, और अगर यह सरकारी तालाब आज बंद होता है तो उन लोगों के घरों का गंदा पानी बाहर नहीं निकलेगा और पानी घर में ही जमा रहेगा और बीमारियां फैलेंगी। हमारी वजीर आला पंजाब साहिबा और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और असिस्टेंट कमिश्नर तानलियावाला से अपील है कि इन कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस काम को फिलफौर रोका जाए। आपकी ऐन नवाजिश होगी।